अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार आज का व्लॉग हमारा क्या है? आज का हमारा व्लॉग ये है कि आज मैं जा रहा हूँ बाबा के साथ ऑफिस। मैं कहता हूँ यार संडे घर होता हूँ, बाबा के साथ ऑफिस चलना है। लैपटॉप भी लेना है मैंने, आज देखेंगे कि अच्छा सा लैपटॉप अगर मिल गया तो लैपटॉप लेंगे और कोई दफ्तर में जाएंगे, कोई दोस्तों से मिलाऊंगा मैं इंशाल्लाह अपने। आओ यार नाश्ता कर लेते हैं। इतने दिनों बाद धूप निकली, ये देखो इतने दिनों बाद धूप निकली। मैं मेरा दिल तो कर रहा है मैं बाहर ठहर के धूप से पहले दरवाजा बंद कर देते हैं। इतने दिनों इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ठंड है, आने का दिल ही नहीं कर रहा था। बताऊँ क्यों, इतनी सर्दी, इतना ठंडा पानी, गीजर भी चल रहा था, कल गीजर बंद कर दिए। भूल के सुबह सुबह जब नहाने की ठंडा यख पानी, फिर मैंने कहा मम्मा यार मुझे पानी गर्म कर दो, फिर पानी गर्म करके फिर ना आया। फिर आओ यार नाश्ता करते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता बड़ा मज़ेदार है, पराठे और साथ चने की दाल, मज़ा आएगा नाश्ता करते हुए। मैं नाश्ता करता हूँ, अगर आपने करना है तो आप अपने अपने घर में कर लें, मैं अपने घर में करता हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है नाश्ता कर लिए। अब मैं कुछ शूज़ वगैरह चेंज कर लूँ फिर मिलता हूँ। ठंड लग रही थी अंदर से, मैंने कहा यार धूप लगवाने में आया तो नाश्ता कर लिए। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद कर तो पहले से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। धूप लगवा ली है, अब उधर चलते हैं, रखते हैं चेयर और फिर चलते हैं। अच्छा मेरे ख्याल में बाइक जा रहे हैं, फिर चलते रहो। मैंने कहा क्या चलना है चांदनी चौक, कोई लैपटॉप वगैरह देखना है वहाँ पे, पसंद आया तो इंशाल्लाह लेंगे आपके लिए। मुझे ना वीडियो एडिटिंग में थोड़ा मसला होता है, इसलिए मैंने बहुत कहा अभी लैपटॉप लेकर दो। सामने जो है अभी भी नया पुल बना है, ये इस साइड में सारा इस्लामाबाद है। आगे जाके देखेंगे, इसे पुल से आगे जाएंगे तो रावलपिंडी आ जाएगा। ये भी ट्रैफिक लाइट्स पे रुके हुए हम। ये देखें जी, ये सड़क फैजाबाद की तरफ जाती है, अब हम जा रहे हैं रावलपिंडी। अभी 2 सेकंड में बंदा इस्लामाबाद से रावलपिंडी पहुँच जाता है, 2 सेकंड की बात है। अब ये देखें हम इस्लामाबाद से निकले हैं, ये पहुँच गए जी रावलपिंडी। ये देखें जी आ गया रावलपिंडी, इतना सा फासला है रावलपिंडी और इस्लामाबाद का, सिर्फ एक पुल का। यार इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मौसम में बड़ा फ़र्क है। अब रावलपिंडी है ना थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है, इस्लामाबाद में नहीं था इतना मौसम, सही था, सर्द गर्म दोनों मिक्स था। इधर आके बहुत जी, आप तो रोजाना ऑफिस जाते हैं, कैसा मौसम होता है? मौसम तो चेंज है यहाँ पे रावलपिंडी में मौसम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बहुत भजन चेंज है, और यहाँ का माहौल का भी चेंज है। यहाँ पे जो इस्लामाबाद का माहौल है और यहाँ का माहौल है, फर्क है भाई, बहुत ज़्यादा माहौल है, बहुत ज़्यादा फर्क है। इधर लोग रहते हैं शपाठी लोग, इस्लामाबाद में पुरसकून। मैं लाहौर गया था उधर इतना शोर होता है। ये रावलपिंडी का ये स्टेडियम है जी, जहाँ पे मैच वगैरह होते हैं, ये जहाँ पे मैच होते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान आके चैनल की वीडियो दिखा रहे हैं। बाबा के चैनल जी पहुँच चुके हैं बॉक्स ऑफिस, यहाँ पे गर्मी है थोड़ी बहुत। पहुँच चुके हैं जी बाबा के ऑफिस, दिखाओ। क्यों दिखाऊं? बाबा के ऑफिस, अब पानी ऑफिस पर देख के पानी पी लेते हैं। यार पूरा दिन ऑफिस में सोया पड़ रहा हूँ, थक गया था बहुत ज़्यादा। अब जा रहे हैं 6 रोज साइड पर, पता नहीं क्यों जा रहे हैं, बाबा का कोई काम है। ये देखो जी जा रहे हैं 6 रोड, रास्ते में हमने लंदन देखा, बहुत बड़ा लंदन था। पाकिस्तान में भी लंदन पाए जाते हैं, सर्दियों में खास तौर पर पाया जाता है, समय तो आप गए होंगे। और सुनाए ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चलते हैं यार। अकेले लेने के लिए रुके हैं यहाँ पे, लेते हैं। कैसे दिए भाई ने? कैसे दिए? 150 रुपये दर्जन। यार काम करो यार, अच्छी चीज़ है, इंशाल्लाह
चलो दो दर्जन दे दो यार। यार बहुत महंगे भाई, बहुत महंगे, 150। एक जमाना ऐसा था 50 रुपए दर्जन देते। कितने हो गए पूरे? 300। इंशाल्लाह तो आपकी कबर गंदी हो गई, आपका कुछ नहीं। बैठते हैं अंदर, चलते हैं यार, ठहर के ना व्लॉग बनाओ और मैं रखूं। यार आज आपसे एक माजरत की, आज मैं लैपटॉप नहीं ले सका। लैपटॉप क्यों ले सका? इस वजह से कि पूरे दिन टाइम नहीं मिला। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, अब घर चलते हैं। लैपटॉप चांदनी चौक जा रहे थे क्योंकि अब रात होगी, रात को तो आपको पता है मज़े से मिलती नहीं। इंशाल्लाह 2-3 दिन तक मैं सोच रहा हूँ द्रास से ऑनलाइन मंगवा दूँ। द्रास से जो मिलता है चांदनी चौक से लेंगे इंशाल्लाह। कमेंट करके बताएं मैं द्रास से लैपटॉप दूँ या ना, ये बताएं। भाइयों ने लिया तो मुझे बताएं कैसा निकला। किस तरह मिले? ये 200 रुपये के जी। खैर है, किसी को मेहमान आ रहे हैं? नहीं नहीं, वो इमाम ने कहा है। अच्छा, इमाम ने कहा। मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा ना कि माम की बात मानी जाती है, हमारी नहीं मानी जाती। देखें फिर, माम ने कहा है तो लेकर जा रहे हैं। लैपटॉप इंशाल्लाह परसों तक लेंगे, कल परसों तक। आज यार जानी चौक जा नहीं सकते क्योंकि टाइम नहीं था। यार देखें, अब पिंडी इतना ज्यादा रश है, देखें। इस्लामाबाद पहुंचेगी, पुरसकून माहौल हो जाएगा, खुदा खुद पुरसकून। ये देखें कितना रश है। अब रावलपिंडी से इस्लामाबाद जा रहे हैं। ये बस अभी इस्लामाबाद पहुंचे। ये डबल रोड है, ये ऊपर वाली डबल रोड है। ऊपर वाली नहीं, ये सामने वाली डबल रोड है। अच्छा डबल रोड है, सॉरी। ये सामने वाली डबल रोड। ये जी अब हम इस्लाम रावलपिंडी से इस्लामाबाद पहुंच गए। नहीं बल्कि ये देखें, अब हम पहुंच गए इस्लामाबाद। 5 मिनट का सफर होता है, 5 सेकंड का सफर होता है रावलपिंडी इस्लामाबाद। चौकी है, चौकी है आगे जहाँ से इस्लामाबाद की पुलिस शुरू होती है। रावलपिंडी इस्लामाबाद जो इस्लाम रावलपिंडी है उसमें चौकी ब्लैक यूनिफॉर्म वाली पुलिस है, इधर ब्लू कलर वाली चौकी दिखाओ। अभी दिखाता हूँ, 2 मिनट तो सफर करिए। देखें जी ये सामने चौकी है, ये देखिए ब्लू यूनिफॉर्म, ये ब्लू यूनिफॉर्म और इधर रावलपिंडी में ब्लैक यूनिफॉर्म वाली पुलिस है। संडे बाजार को भी इतना रश होता है, देखें रात को भी इतना रश होता है। यहाँ से कई सड़कें निकलती हैं, मरी वाली साइड पे निकलती है, उसके बाद बिल्यू एरिया जाती है और मोटरवे या श्रीनगर रोड पे भी जाती है। और अभी ये हम जा रहे हैं जी जीरो पॉइंट से ये संडे बाजार। संडे बाजार सिर्फ आपको बड़ा रश है, बहुत रश है रात का भी। आप सुबह आए ना, सोच आपकी गाड़ी पार्किंग की तो जगह ही नहीं होती ना यहाँ पे। सुबह को तो बिल्कुल रास्ता नहीं होता, रास्ता ही नहीं होता यहाँ से जाने आने का, इसलिए बंदा रात को देखिए। रात को सब लोग एतवार को ना यहाँ पे खाने पीने की अशिया लेने आते हैं, पूरे हफ्ते का सामान। ये वैसे एतवार को भी लगता है और मंगल को भी लगता है और जुमे को भी लगता है ये बाजार। सुन ली है, एतवार जुमे और मंगल को लगता है ये बाजार। और बड़े रिजनेबल रेट पे ना हर चीज मिल जाती है बंदे को यहाँ पे। लेकिन अभी तक रश देखिए ना यहाँ पे, चेक करें ये रोड तक, ये श्रीनगर रोड है, यहाँ तक रश लगा हुआ है। देखिए गाड़ियाँ कहाँ कहाँ ठहरी हुई हैं। ये से संडे बाजार, और संडे बाजार में से हर चीज, हर किस्म की चीज मिल जाती है, कपड़े वगैरह भी मिल जाते हैं, सब्जियाँ, उसके बाद महीने का राशन वगैरह वो जो होता है अपना, घी वगैरह वो भी मिल जाते हैं यहाँ से, वगैरह मिल जाते, जूते वगैरह मिल जाते, यानी कि जिंदगी की तमाम जो जरूरत होती है जिंदगी की वो हर चीज यहाँ से मिल जाती है। सब्जी बड़े मुनासिब रेट पे मिलती है, सब्जियाँ वगैरह ताजी बिल्कुल फ्रेश सब्जियाँ मिल जाती है यहाँ से। ये जी G9 की पुल है, यहाँ पे मोटरसाइकिल वगैरह गुजर रहे हैं, देखें। और रश को देखें ना, यहाँ तक रश लगा हुआ है, G9 इशारे तक रश लगा हुआ है यहाँ तक। अब आगे G9 यानी कि कराची कंपनी का रास्ता जाता है। ये सारा रश जो है ना ये इतवार बाजार की वजह से लगा हुआ है, ये देखें। ये 4 किलोमीटर के अंदर अंदर सारा रश है, 4 किलोमीटर के अंदर अंदर रश है इतवार बाजार के लिए, इतना लोग आते हैं यहाँ पे, ये देखें। ये सिर्फ और सिर्फ इतवार बाजार का रश है, इतवार बाजार का। इस रोड में बहुत ज्यादा रश होता है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि एतवार को छुट्टी होती है पूरे पाकिस्तान में। और यहाँ के जो मुलाजिम वगैरह हजरात हैं, सारे जो मुलाजिम तबका लोग हैं वो यहाँ पे सारा राशन एक हफ्ते का लेते हैं। मंगल को तो हर कोई ऑफिस वगैरह में जाता है, जुम्मे को शॉप्स वालों को छुट्टी होती है, वो दुकानें बंद करते हैं, वो आते हैं। लेकिन एतवार को ना हर चीज बंद होती है और हर बंदा यहाँ पे जरूरत जिंदगी की हर चीज लेने आता है। ये देखिए ये G9 रास्ता जाता है कराची कंपनी। अच्छा कराची कंपनी कमाल मार्केट है, वहाँ पे हर किस्म की चीज मिल जाती है, चाहे वहाँ पे ब्रांड आप लें
या वहाँ पे यानी कि मीडियम जो आपके ड्रेसेस होती हैं वो लें, या आप वहाँ पे ना बिल्कुल सादा से कपड़े भी ले सकते हैं। यानी कि हर किस्म के ड्रेसेस, हर किस्म की सब्जी, हर किस्म के ड्राई फ्रूट ये कराची कंपनी में मिल जाते हैं। ये जी देखें, यहाँ पे यू टर्न अब इन्होंने बना दिए हैं। पहले थे इशारे लगे हुए पे, G9 इशारा था, G10 इशारा था, G11 इशारा था, लेकिन अब उन्होंने ना यहाँ पे यू टर्न बना दी। इस्लामाबाद में पहले इशारे होते थे। अच्छा, यू टर्न किस लिए बनाया यहाँ पे? यू टर्न इसलिए बनाया कि एक्सीडेंट वगैरह ज्यादा होते थे और ट्रैफिक जाम हो जाती थी और लोग यानी कि रश पे फंस जाते थे। अब जब से ये यू टर्न बने हैं उस टाइम से यहाँ पे रश भी नहीं होता और हर कोई अपने रास्ते जा रहा है, और ये इशारे इन्होंने बंद कर दिए। अब इशारे ब्लू एरिया के मेन रोडों पे चल रहे हैं और पिंडी में चल रहे हैं, इस यानी कि श्रीनगर रोड पे कोई इशारा नहीं है। ये सामने नादरा का दफ्तर, यहाँ पे आईडी कार्ड वगैरह ना बनते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं। वैसे तो ब्लू एरिया में भी है वहाँ पे फैसल एवेन्यू के करीब, और ये नादरा का यहाँ पे भी ऑफिस है। अगर किसी ने शनाख्ती कार्ड वगैरह बनाना हो इस्लामाबाद से तो यहाँ पे बन जाता है, और 24 घंटे सर्विस है नादरा की। यहाँ पे 24 घंटे सर्विस है, 24 घंटे आप रात के 2 बजे भी जाएं तो आपको यहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड बन सकता है। मेरे भाई ये बताएं कि आप कौन कौन से शहर में रहते हैं और कितने घंटे आपके शहर में नादरा खुला रहता है, ये कमेंट में बताएं मुझे। ये जी G10 का यू टर्न आ गया है, यहाँ से रास्ता अंदर को जाता है, रावलपिंडी में भी जाता है और सब्जी मंडी की तरफ रास्ता जाता है। सब्जी मंडी एक और भी है ना इधर, सब्जी मंडी उसकी तरफ भी रास्ता जाता है, और ये मोटरवे यानी कि हम श्रीनगर रोड पे अभी चल रहे हैं, ये रावलपिंडी रास्ता जाता है, और यहाँ पे ना वो कब्रिस्तान भी इधर इसी रोड पे है, कब्रिस्तान जहाँ पे अरशद शरीफ की यहाँ पे कब्र है, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं और फातिहा खानी कह सकते हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद के ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान उन्होंने बनाया है, और इसके अलावा देखें मगरिब पर टाइम हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त माहौल है। देखें ज़रा आपको दिखा रहे हैं, इस्लामाबाद और पिंडी में इतना फ़र्क है, ये देखिए ट्रैफिक का फ़र्क, इधर के रोज़ का फ़र्क, रोज़ की बहुत ही ज़्यादा अरे कहना क्या चाहते हो, रोज़ पे वो अमल किया जाता है बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए अपनी लाइन में हर कोई चलता है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो ना? ये लगे जी तुम्हारे फ्रूट आ गए, घर पहुंच गए हैं। आते देखे तो रजा भाई के लोग लगे हैं यार, ये देखे रजा भाई के लोग तो भाई चल रहे हैं हमारे घर में। हाँ जी क्या हाल है, ठीक जी क्या हाल है, याद आई आज पूरे दिन मैं घर पे नहीं था। लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग अच्छे लोग तो लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए और शेयर कर दिए और अपने अपने शहरों का नाम बता दें। अल्लाह हाफिज़।